push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी शैप्पी होंगे। ये देखें जी, आज आपको पेंसिल नज़र आ रही है तो बिल्कुल यही हम पेंसिल बनाने जा रहे हैं। यह है वाइट आई पेंसिल, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको देख लें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसके बाद हम बात करते हैं। साथ साथ बात करूँगी, साथ साथ बताती जाऊँगी। यहाँ पर मैंने एक स्टिक ले लिया है जो आइवरी है, कोई भी आप आइवरी कलर लेना है आपने जो सफ़ेद हो, ठीक है जी। तो फिर ये वाइट कलर की पेंसिल बनेगी। आप थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटी में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे पास ये पहले ही आई बेस मौजूद है, मैंने बना के रखी हुई है, मैंने सिर्फ आपको तरीका समझाना था। तो मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों से वादा किया था तो मैंने कहा छोटी सी वीडियो बना दूँ, ठीक है जी। थोड़ा सा आपने स्टिक ले लिया है, इसी तरह से आपने आपकी कोई जो आई शेडो पैलेट है, कोई भी मेकअप की जो आपके पास पैलेट पड़ी हो उसमें वाइट कलर ज़रूर होगा, आप वहाँ से वाइट कलर ले लीजिए और इसको भी थोड़ा सा तोड़ के हल्का सा किसी टेलकॉम से तोड़ लीजिए और उसके पीछे की नोक से या फिर आप चम्मच से हल्का हल्का इसको खुरच के निकाल लीजिएगा और इसको भी इसमें शामिल कर लीजिए थोड़ी सी क्वान्टिटी आप इसकी, और फिर आपने इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है और आपने इसकी क्वांटिटी अपनी ज़रूरत के तहत निकाल लेनी है। जितनी आपको चाहिए हो उतनी आप बना लें, इसको बना के किसी भी कंटेनर में रख लें, किसी लिड वाले में, और जब आपने इसको अप्लाई करना है उसका भी तरीक़ेकार बहुत ही आसान है। मैं आपको आपके सामने ये चेक भी करवा दूँगी। इसका रिज़ल्ट यकीन करें कि बहुत ही अमेजिंग है। बहुत ही अच्छी अच्छी प्रोडक्ट हमने यूज़ की हैं, बहुत सी मार्केट में पेंसिल्स भी हैं लेकिन उनका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं होता है। जब हम अप्लाई कर देती हैं तो कुछ देर बाद, कुछ घंटों के बाद वो दोबारा अप्लाई करना पड़ती है, हमें रिफ़्रेश करनी पड़ती हैं। आप श्योर कर लें कि इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि अगर हम सुबह इसको अप्लाई करते हैं, मैं किसी भी ब्राइड को अप्लाई कर देती हूँ तो उनके रिव्यूज़ यही होते हैं कि आप ही मेकअप उतारने के बाद, मुंह धोने के बाद हमारी बेस नहीं निकलती है, ये मैं जो आप आंखों में वाइट काजल लगाती हैं ना, ये कभी भी नहीं निकला है। तो आप भी इसको आजमाएं, आप भी बनाएं, ये ट्रेंड में है। आपने ब्राइड्स जितनी भी देखी हैं आपने देखा होगा कि उनकी आईज़ में वाइट पेंसिल लगी होती है, उससे आँख बड़ी लगती है, उसका इम्प्रेशन जो आता है वो बड़ा आता है, आँख वाजे लगती है और आँख ज़्यादा खुल जाती है। यानी अगर हम किसी छोटी आई में भी अप्लाई करते हैं वाइट पेंसिल वाइट कलर तो उससे आँख ज़रा खुल जाती है, प्रोमिनेंट हो जाती है और बहुत ही अच्छी बहुत ही अमेजिंग लुक आती है। आजकल ट्रेंड में है, आपने बहुत सी ब्राइड्स को भी देखा होगा और इंशाल्लाह आप देखें जी आपकी भी वैनिटी में है। ये दो चीज़ें हैं, सिर्फ इन दोनों चीज़ों के मिक्स करने से, अच्छी तरह से इनको ब्लेंड करने से एक जान कर लें आप, ठीक है जी। जब ब्लेंडिंग है उस पर मैंने थोड़ी सी फास्ट मोशन में वीडियो रखी है, उसके बाद मैंने जो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो आपके सामने मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है, ठीक है जी। आपने मुझसे ज़रूर शेयर करना है, पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और देखें इसकी ब्लेंडिंग। तो जी ये अब आपके सामने कंप्लीट हो चुकी है, ये इसकी फाइनल लुक है। अच्छी सी यकजान कर लिया हमने, इसको मिक्स कर लिया है, ये आपके सामने है। कंटेनर को बंद करके रख लें, आप यूज़ करें, आप मुझे इसका बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आपने ज़रूर रिव्यू देना है, मुझे तो पता है कि इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और देखिए जी, इकॉनमी में रहकर भी आपके पास ये इतनी अच्छी चीज़ आ जाती है और ये हर औरत के पास होती है। अप्लाई इसको कैसे करना है, कोई भी आप ब्रश ले लें, लाइनर के ब्रश की जो बैक साइड होती है वो बहुत ही स्मूथ और बहुत सॉफ्ट होती है, आप उसकी बैक साइड को भी इस तरह से लगा सकते हैं। और ये देखें, मैं आपको तैयबा की आँखों में अप्लाई करके दिखा देती हूँ, बहुत ही खूबसूरत लगती है ये, आँख इससे बहुत बड़ी खुल के सामने आती है।
और आजकल मैं आपको बता दूं कि आजकल ब्राइड्स को तो हम बहुत ज़्यादा वाइट करके आंख दिखाते हैं, बट अगर हम कहीं किसी के घर में जा रहे हैं या आप कोई शादी का फंक्शन अटेंड कर रहे हैं तो उसमें आप कोई न्यूड कलर भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए आप इसी स्टिक के अंदर थोड़ा सा कुछ ऐसा कलर यूज़ कर लीजिएगा जिससे आप नहीं चाहते कि ज़्यादा वाइट हो, मतलब कोई स्किन टाइप कलर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर सिल्वर बनाना चाहें, आप ग्लिटरी बनाना चाहें, तो उसमें आप सिल्वर कलर भी इस्तेमाल कर लें, ग्लैमरस आएगी। कोई भी मेकअप की पेंसिल का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं होगा जितना इस बेस का रिज़ल्ट है। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।